चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गेन इन द ह्यूमन बॉडी। आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं इसमें से लार्जेस्ट ऑर्गेन कौन सा है ह्यूमन बॉडी का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्किन। नहीं, स्किन जो है ये हमारा लार्जेस्ट ऑर्गेन है, ठीक है। और यदि हमसे यदि पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड यदि पूछा जाता तो वो हमारा लीवर हो जाता है, ठीक है। लीवर के बारे में आप लोगों को पता है कि लीवर जो होता है वो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का, और इसका काम क्या होता है, तो इसका मेन काम जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन के स्टोरेज में हेल्प करता है, तो इन सब में ये इसका बहुत बड़ा योगदान है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन, डाइजेशन एंड द स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि बाइल जो है वो प्रोड्यूस कौन करता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि लीवर जो है वो बाइल को भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये जो है ये आपका जो है बाइल जो है ये आपके डाइजेशन में काफी हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बाइल जो है ये इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो लीवर में होता है, ठीक है। और फैट्स के भी एब्जॉर्प्शन में ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 में पूछा जा रहा है, विच इज द नॉर्मल रेंज ऑफ नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ द ब्लड। अब नॉर्मल पीएच रेंज जो ब्लड का वो क्या होगा, तो काफी आसान सा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.35 to 7.45, ठीक है। यानी जो हमारा ब्लड होता है वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, ठीक है। आप देख रहे हो हमें पता है न्यूट्रल जो होता है वो 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से यदि बिलो होता है तो वो हमारा एसिडिक हो जाता है, और 7 से यदि ऊपर होता है तो वो हमारा बेसिक हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा बेसिक नेचर का होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, क्योंकि आप देख लो 7 के आसपास ही इसकी जो वैल्यू है वो है 7.35 to 7.45, ठीक है, तो स्लाइटली बेसिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेन इज यूज फॉर ब्लड स्मेयर प्रिपरेशन। ब्लड स्मेयर प्रिपरेशन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ब्लड स्मेयर का जो प्रिपरेशन होता है उसके लिए हम लोग लिस्मन स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है लिस्मन स्टेन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ब्लड स्मेयर प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। ये जो लिस्मन स्टेन जो हमारा स्टेन है ये मिक्सचर होता है, ठीक है, किसके मिक्सचर होता है, तो जो बेसिक डाई होता है और एसिडिक डाई होता है इसका ये मिक्सचर होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, लिस्मन स्टेन इज अ मिक्सचर ऑफ मिथिलीन ब्लू। ये जो मिथिलीन ब्लू है ये हमारा बेसिक डाई है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, और साथ में ये इओसिन का मिक्सचर होता है, एंड इओसिन, ठीक है। ये जो इओसिन है हमारा ये एसिडिक डाई है, एसिडिक डाई, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए जो हमारा मिथिलीन ब्लू, इसके अंदर आप देख रहे हो लिस्मन स्टेन के अंदर जो है ये दो डाई का ये मिश्रण है, मिथिलीन ब्लू का और इओसिन का। जो मिथिलीन ब्लू होता है वो क्या करता है, जो एसिडिक कंपोनेंट होते हैं, जो हमारे सेल के एसिडिक कंपोनेंट होते हैं जैसे न्यूक्लिक एसिड है, तो उसको ये स्टेन करेगा, ठीक है, याद रखना है। ये जो मिथिलीन ब्लू है, कई बार इससे भी क्वेश्चन राइज होते हैं, उस कारण से इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। स्टेन ये जो है ये क्या है, एसिडिक कंपोनेंट को स्टेन करता है, स्टेन द एसिडिक कंपोनेंट ऑफ द सेल, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लिक एसिड याद रख सकते हो आप, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, इसको ये स्टेन करेगा। और यदि हम लोग बात कर लेते हैं और कैसा स्टेन करेगा, तो आपको याद रखे मिथिलीन ब्लू है तो ये ब्लू स्टेन प्रोवाइड करेगा, ठीक है।
और यदि हम लोग इओसीन के बारे में बात करें तो ये जो है ये स्टेन करेंगे बेसिक कंपोनेंट को, स्टेन द बेसिक कंपोनेंट, जो बेसिक कंपोनेंट है सेल के उसको ये स्टेन करेंगे ऑफ सेल। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म जो है उसको कैसा कलर प्रोवाइड करेंगे, तो ये पिंक या रेड कलर, ठीक है, पिंक या रेड ये कलर ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें से आप देख लो कुछ और स्टेन के नाम दिए हुए हैं, जैसे हेमेटोटॉक्सलीन और इओसिन स्टेन। तो हेमेटोटॉक्सलीन और इओसिन स्टेन जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है हिस्टोपैथोलॉजी में। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी और पैथोलॉजी में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो है ये काफी स्टैंडर्ड स्टेन होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जो टिश्यू के मार्फोलॉजी हैं, उनके स्ट्रक्चर हैं, उसको देखने के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो जेल नेल्सन स्टेन जो है ये, इसका इस्तेमाल तो आपको पता है, ये एसिड फास्ट स्टेन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसमें से माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज को हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जो हमारे एसिड फास्ट स्टेन है उसका इस्तेमाल करते हैं। ग्राम स्टेन के बारे में पता ही आपको कि ग्राम स्टेन में जो होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ग्राम स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। उसमें दो स्टेन का इस्तेमाल वहां भी होता है, एक तो हमारा मिथिलीन ब्लू का या क्रिस्टल वायलेट का, और दूसरा सेफ्रोनिन, उस दोनों का स्टेन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इन ब्लड। आपको पूछा जा रहा है जो ब्लड में प्लेटलेट का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लड क्लॉटिंग। प्राइमरी फंक्शन उसका होता है ब्लड क्लॉटिंग में, ये जो हमारा प्लेटलेट है वो हेल्प करता है। ठीक है, इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है इसका, यदि अदर नेम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये क्या करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग के स्टॉप होने के लिए बहुत एसेंशियल है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इंटू शुगर। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा एंजाइम्स है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके ब्रेक डाउन के लिए, तो स्टार्च के ब्रेक डाउन के लिए, किसमें, तो शुगर के फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देगा स्टार्च को। तो ये कौन सा एंजाइम है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च के ब्रेक डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब ये भी याद रखना है कि ये जो स्टार्च जो हमारा है, ये आपको पता है कि हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड है और पेनक्रियाज है इनमें ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये याद रखना है, एक तो सलाइवरी ग्लैंड और दूसरा पेनक्रियाज, इन दो में जो है ये आपका एमाइलेज प्रोड्यूस होता है, और इनका काम क्या होता है, तो स्टार्च का ब्रेक डाउन करना और उसको सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन। पूछा जा रहा है उसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, तो फैट सोल्यूबल विटामिन जो है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये हमारा फैट सोल्यूबल होता है। आपको याद रखने के लिए ट्रिक मैं बता देता हूँ कि जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, आप पहले तो फैट सोल्यूबल देख लो, के ई डी ए, ये जो हमारा है ये हमारा फैट सोल्यूबल है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, कीड़ा, जो कीड़ा होता है वो फैट में सोल्यूबल होगा, वाटर में तो कभी मिल ही नहीं सकता, घुल ही नहीं सकता कीड़ा। और यदि हम लोग वाटर सोल्यूबल के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे विटामिन सी दिख रहे हैं, विटामिन बी दिख रहे हैं, विटामिन B12, विटामिन B6, ये सारे जो हैं ये वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल इसमें से कौन सा है, विटामिन डी। ठीक है, यदि हम साइंटिफिक नेम के बारे में हम बात कर लेते हैं, कई बार इसके साइंटिफिक नेम भी पूछे जाते हैं, तो थोड़े थोड़े हम इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले विटामिन B12 के बारे में बात करें, तो इसको हम लोग कोबालामिन भी बोलते हैं। ठीक है,
और ये जो होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, और इसका इस्तेमाल जो है यानी एसेंशियल होता है ये किसके लिए, तो रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होता है ये विटामिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पूछा जाए कि रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल कौन सा विटामिन होगा, तो विटामिन B12, ठीक है, एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, ये याद रखना है। इनका इस्तेमाल और भी जगह कहाँ कहाँ होता है, तो इनका एक जगह ये और भी हेल्प करते हैं जिससे डीएनए जो है डीएनए के भी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल के मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, बोन मेरो में जो रेड ब्लड सेल मैच्योर होते हैं उसके लिए भी विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो ये याद रखना है। विटामिन सी को हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ये जो विटामिन सी है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है, और विटामिन सी जो होता है ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, पावर फुल एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक है, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये हेल्प करता है जो हमारे सेल्स होते हैं उसको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, यानी याद रखना है आपको, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, सेल को डैमेज होने से। और यदि हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन डी के बारे में, तो ये तो आपको पता है कि विटामिन डी जो होता है वो इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करता है, बोन्स को हेल्थ मतलब हेल्दी रखने में हेल्प करता है, ठीक है, तो बोन के हेल्थ के लिए जो है, ठीक है, विटामिन B6 को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइरिडॉक्सिन। ये पाइरिडॉक्सिन जो है ये भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है और इनका जो काम होता है वो बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उनमें इनका विटल रोल होता है, ठीक है, जो एमिनो एसिड होते हैं मेन जो इनका फंक्शन है वो एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड्स, ठीक है, एमिनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में, और यानी एक तरह से बोल सकते हैं ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोटीन के उसके मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जो कॉजेटिव एजेंट है ट्यूबरक्लोसिस का वो क्या हो जाएगा। काफी आसान सा क्वेश्चन, इसका भी आपको आंसर मालूम ही होगा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ये हमारा ट्यूबरक्लोसिस काउज करता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में तो आपको पता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कैसा बैक्टीरिया है, तो माइकोबैक्टीरियम जो है ये जो है हमारा एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, ठीक है, और यदि हम लोग बात कर लेते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के बारे में, तो ये जो हमारा है ये लेप्रोसी जो है एक बीमारी होता है इसको ये काउज करता है, ठीक है, और इकोलाई के बारे में तो पता ही है आपको, स्किरिचिया कोलाई जो है ये जो हमारा होता है ये आप कह सकते हो हमारा जो नॉर्मली जो होमेन के जो इंटेस्टाइन्स होते हैं वहां पे ये पाया जाता है, ठीक है, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनके इंटेस्टाइन में ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी के बारे में तो आपको पता है कि साल्मोनेला टाइफी जो है इसको हम लोग इकोलाई भी बोलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है, और साल्मोनेला टाइफी जो है ये टाइफाइड फीवर काउज करता है, ठीक है, यदि टाइफाइड फीवर से रिलेटेड पूछा जाता है आपको तो याद रखना टाइफाइड की फीवर कौन को काउज करेगा, तो साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव मटेरियल, जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं उसको स्टरलाइज करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो हीट सेंसिटिव जो हमारा मटेरियल्स होता है उसको हम लोग स्टरलाइज करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो फिल्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल, जैसे कि हमारे कुछ एंजाइम्स होंगे या एग्रोस जेल हो जाएगा तो उसको स्टरलाइज हमें करना होगा, तो हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 में पूछा जा रहा है द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर एडल्ट फीमेल, एडल्ट फीमेल में जो है नॉर्मल रेंज कितने होंगे हीमोग्लोबिन के,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 to 15। ठीक है, 12 to 15 जो है ये हमारा किसमें हो जाएगा, फीमेल में। कई जगह पे आपको 12 to 15.5 ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और यदि हम किससे मेल में पूछा जाए कि मेल में फिर कितना होगा, तो 13.5 से लेके 17.5 ये हमारे मेल में नॉर्मल रेंज हो जाएंगे हेमोग्लोबिन के। और यदि चिल्ड्रन में पूछा जाए, तो चिल्ड्रन के अंदर जो है 11 से लेके 16 तक, 11 to 16। ठीक है, तो ये याद रख लेना है। नॉर्मल रेंज से कई बार क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको करके जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कॉगुलेंट्स इज कॉमनली यूज फॉर ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन। ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए हम लोग कौन से एंटी कॉगुलेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। आपको ग्लूकोज एस्टिमेशन पूछा जा रहा है, तो हम लोग फ्लोराइड ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, यानी सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ब्लड ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए। ठीक है, ये क्या होता है, ये ग्लाइकोलाइसिस होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, उस वजह से हम लोग सोडियम फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें आप देख रहे हो कुछ और भी दिए हुए, ईडीटीए का इस्तेमाल करता है हम लोग, कंप्लीट ब्लड पिक्चर के लिए हम लोग करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए करते हैं। ठीक है, हेपरीन के बारे में आपको पता है कि जो हेपरीन है ये, ठीक है, जो ब्लड कलेक्शन ट्यूब होते हैं, हेपरीन ब्लड कलेक्शन ट्यूब, उसमें हम लोग जो ब्लड लेते हैं वो किसके लिए, कौन कौन से टेस्ट के लिए, तो एबीजी के लिए, इलेक्ट्रोलाइट पैनल के लिए, इन सब के लिए हम लोग करते हैं। इसका कलर कैसा होता है, इसका ग्रीन टॉप कलर होता है, ग्रीन टॉप। और फ्लोराइड वाले का कैसा होता है, ग्रे होता है, ये भी याद रखना है। चलिए अब एक हमारा सोडियम सिट्रेट बच जाता है, तो सोडियम साइट्रेट जो है हमारा, तो सोडियम साइट्रेट का भी इस्तेमाल जो है बहुत जगह आपने देखा होगा, जैसे जो कोगुलेशन स्टडीज होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम को मेजर करने के लिए, यानी एपी टीटी यानी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम को एस्टिमेट करने के लिए, तो इन सब के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, पीटी के लिए, एपीटीटी के लिए, तो इन सब का जो टेस्ट होता है इसके लिए हम लोग सोडियम साइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कोगुलेशन स्टडीज बोल सकते हैं। तो कोगुलेशन स्टडीज के लिए तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, साइट्रेट के, साइट्रेट ट्यूब जो होंगे उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू मेजर द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। जो ऑप्टिकल डेंसिटी होता है सॉल्यूशन का, उसको मेजर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है इसका इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, तो जो ऑप्टिकल डेंसिटी होते हैं सॉल्यूशन में उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, अब यदि हम लोग बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में, तो इसका मेनली जो इस्तेमाल होता है, तो सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन होते हैं उसको हम लोग डिटरमाइन करने के लिए, किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन में कितना कंसंट्रेशन है उसको मेजर करना होगा, तो उसके लिए हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में यदि आपको बता देते, थोड़ा लिख लो आप, स्पेक्ट्रो फोटोमीटर आर वाइडली यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, जो एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है उसको ये मेजर करता है। ठीक है, जो लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो स्पेसिफिक लाइट का जो ऑब्जॉर्प्शन होगा उसको ये मेजर करेगा, उसके कॉन्सेंट्रेशन को ये मेजर करेगा। ठीक है, और कौन से लॉ को ये फॉलो करता है, तो बियर्ड्स लॉ को, ये भी याद रखना है आपको, जो बियर्स लॉ है उसको ये फॉलो करता है। जो क्लोरीमीटर होता है और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, दोनों ये बियर्स लॉ को फॉलो करते हैं, बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ आपने पढ़ा भी होगा, उसको ये फॉलो करते हैं। ठीक है, और उसी के हेल्प से जो हमारा कैलकुलेशन होता है, सब्सटेंस कितने परसेंट है सॉल्यूशन में उसको हम लोग पता लगा पाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं।
12 में पूछा जा रहा है, इन अ सेंट्रीफ्यूज द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट इज बेस्ड ऑन देयर। सेंट्रीफ्यूज में जो सेपरेशन होते हैं जो कंपोनेंट्स के, वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेंसिटी के ऊपर। ठीक है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है, हाइयर डेंसिटी वाले जो होंगे वो नीचे सेटल हो जाएंगे, लाइटर डेंसिटी जिनकी होगी वो अबव द सॉल्यूशन आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो सेडिमेंट के रूप में हाइयर डेंसिटी वाले और सुपरनेंट के रूप में जो होंगे वो लाइटर डेंसिटी वाले। ठीक है, तो डेंसिटी के बेसिस पे ये क्या करता है, कंपोनेंट्स को सेपरेट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द लीवर। आपको पूछा है इसमें से जितने दिए गए हैं इसमें से लीवर का फंक्शन क्या नहीं है। देखिए, अपने पहला क्वेश्चन जब मैं बता रहा था आपको, वहां पे मैंने बताया था डिटॉक्सिफिकेशन लीवर करता है, बाइल प्रोडक्शन लीवर करता है, ठीक है, विटामिन का जो स्टोरेज है ये भी करता है, लेकिन ऑप्शन सी, सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का सिंथेसिस नहीं करता। तो यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फंक्शन नहीं है लीवर का, तो सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम्स इज प्राइमरली यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ लीवर डैमेज। आपको पूछा रहा है इसमें से जो दिए गए आपके एंजाइम्स है, इसमें से वो प्राइमरली कौन से एंजाइम्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है लीवर डैमेज को इंडिकेट के लिए, वो इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SGPT, या आप इसको बोल सकते हैं ALT, एलेनिन एमिनो ट्रांसपिरेज। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग, इसका जो दूसरा नाम है वो है SGPT। ठीक है, SGPT का यदि फुल फॉर्म पूछ लेता है तो सीरम ग्लूटामिक पाइरुविक ट्रांसएमाइनेज। ठीक है, ट्रांस एमाइनेज ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है, मतलब एक यदि हम रोल के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, जो एलानिन है इसको ये कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड में, जो इसमें से जो एलानिन होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं एमिनो एसिड को पाइरुवेट में। ठीक है, तो ये याद रखना है, याद रखना है कि एमिनो एसिड को ये क्या करेगा, एमिनो एसिड को ये कन्वर्ट करेगा पाइरुवेट में। आपको पता है जो पाइरुवेट है वो इन्वॉल्व होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जो बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यदि इसका लेवल बढ़ जाता है, यदि ALT बढ़ा हुआ है हमारे बॉडी में, तो ये क्या इंडिकेट करता है, एक तो फैटी लिवर डिजीज को इंडिकेट करता है, फैटी लिवर डिजीज, और साथ में जैसे सिरोसिस, इस कंडीशन को भी ये इंडिकेट करता है, लिवर कैंसर जो कि जिसे लीवर यदि अल्कोहल के वजह से भी डैमेज होता है, तो उस कंडीशन में भी SGPT जो है वो हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। ठीक है, ड्रग्स के कंडीशन में जो टॉक्सिन है उसके कंडीशन में ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वायरल हेपेटाइटिस के कंडीशन में भी जो है उसको पता लगाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के कंडीशन में भी ये जो रेंज है इसका बढ़ जाता है। और नॉर्मल रेंज के बारे में हम लोग बात करें तो 7 से 56 ये इसका नॉर्मल रेंज होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा काफ़ी टाइमिंग का। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके आने वाले जो एग्जामिनेशन है RRB के, लैब सुपरिटेंडेंट टेक्नीशियन के हो या लैब असिस्टेंट की जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन है उसके लिए सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से करके जाएँ। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, द लीवर इज इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। लीवर किसके डिटॉक्सिफिकेशन में, जो कौन से सब्सटेंस के डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनिया। ठीक है, लीवर जो है अमोनिया के डिटॉक्सिफिकेशन में ये इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये लीवर में होता क्या है, ये कन्वर्ट हो जाता है, जो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया, ठीक है,
और ये जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा हमारे यूरिन के थ्रू, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूटामाइन सिंथेसिस, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।